अगला मिसरा सुनेगा तो ईमान ताजा हो जाएगा कि पीर साहब ने किसको बुलाया है। महबूब दमे लाए चुप कर नहराली, महबूब दमे लाए महफिल नू सजाई रखना उसके आन दमे सुभान अल्लाह कहता है नफा नेकी में लेके जाता है। जंगल भी हो गया है, महफिल भी हो रही है, इंशाअल्लाह नेकियों का अंबार भी आपके नामा अमाल में जमा हो रहा है। ये इस्लाम है, इस्लाम में सौदा नंद हो जाता है। वो एक मर्तबा कहता है अल्हम्दुलिल्लाह चुप कर मेरे अली इतने जान कोई दर्जन दबिया दे, कोई दर्जन दबिया दे, अरशद गुम मच गई आए सरवर नबिया दे, अरशद गुम मच गई आए सरवर नबिया दे। मौला अली के आशिक हैं, वलियों के गुलाम है। इस धरती से ऐसा नारा लगना चाहिए कि पूरी दुनिया में ये नारा घूम जाना चाहिए। नारा तकबीर, ये सारे मुसलमानों का नारा। मर के नहीं नारा लगाना है, जिंदा दिली से नारा लगाना है। गुनाह माफ हो जाएंगे, परेशानियां दूर हो जाएंगी। नारा तकबीर, जहाँ जिसका जिक्र होता है उनकी रूह अज़र हो जाती है। आज रात को आप बैठेंगे और बैठ के आप रहेंगे। मैं दो इशार में पीर मेहरे अली शाह का जिक्र आया। अल्लाह ताला पीर साहब की कब्र पर करोड़ों रहमतों का नज़ूल फरमाए और पीर साहब की रूह हम सब पर राजी फरमाए। दो चार मिनट में ले लूंगा, आप ज्यादा सलामत रखिए। हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला या इलाहुल आलमीन जो पीर हैदर शाह के दरबार में आए हैं उन्हें हज भी नसीब फरमा दे, उन्हें उम्र भी नसीब फरमा दे, उनकी मुश्किलें भी आसान कर दे। इलाहुल आलमीन जो जो मुराद लेके आया है आज अल्लाह के वली के सदके में हर मुराद को पूरा कर। रात को कोई नहीं जागता, रात को वही जागता है जिसके सीने में मोहब्बत होती है। इसी बात पर मैं खत्म करूंगा और आप आवाज से बुलंद आवाज से कहेंगे अफजल है कुल जहां में घराना हुसैन का, नबियों का ताजदार है नाना हुसैन का, नबियों का ताजदार है नाना पल की थी बसे
मेरा शुक्रिया आप सब लोगों से है। क्या इधर वालों को मुझे सब कहते हैं क्या मिला वाले लंगे लंगे इलाके से हम यहाँ आए हैं और रजौरी से मेहमान आए हैं। ये पीर साहब की अपनी शान है कि अपना वक्त छोड़ के लोग अल्लाह के वली की याद में आ जाते हैं। ना जी, किसी शायर ने कहा था कि लपे नामे नबी तो जिसमें जहाँ खुशबू दे, पढ़ो नाते और दरूद तो सब खुशबू दे, उनकी तारीफ हम क्या करें या नसीब, उनकी शान में सारा खुदा खुशबू दे, उनकी तारीफ हम क्या करें या नसीब, जिनकी शान में सारा कुरान खुशबू दे। एक शायर ने कहा था कि झुका के सर को अकीदत से काम लेते हैं, सभी हजरत तवज्जो करेंगे और मुरंदवा से कह दो सुभान अल्लाह। आज हमारी आवाज यहाँ नहीं बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में भी जा रही है, रसूलुल्लाह के दरबार में भी जा रही है। झुका के सर को अकीदत से काम लेते हैं, नबी के गुलाम जब उनका नाम लेते हैं, नसीब वालों को मिलती है इश्क की दौलत, नसीब वाले मोहम्मद का नाम लेते हैं, नसीब वाले इश्क की दौलत, नसीब वाले मोहम्मद का नाम लेते हैं। समीन अल्लाह के वलियों के दरबार में जो आ जाता है वो अल्लाह का प्यारा हो जाता है, इसलिए कि वो ऐसे दरबार हैं। इन दरबारों का मेरे मिल्लत के नौजवानों, हमारी अकीदत हमारी मोहब्बत है कि अल्लाह के वली के दरबार में आ जाएं, अल्लाह के वली के वसीले से दुआ करें, अल्लाह ताला हम सबका आना भी कबूल फरमाएगा, सबका जाना भी कबूल फरमाएगा। हम किसी आम दुनियादार के दर पर नहीं बैठे हैं, हम अल्लाह के कलंदर के अल्लाह के वली के दरबार में बैठे हैं, जिनका जिक्र कुरान में आता है, ये अल्लाह के वली है जिनको दुनिया में कोई खौफ नहीं है, कब्र का कोई गम नहीं है, ये अल्लाह के प्यारे लोग हुआ करते हैं। इनके बारे में भी मोहम्मद साहब कहते हैं कि हर मुश्किल दी कुंजी यारो हाथ वाली याद आई वाली निगाह करन जिस वेले मुश्किल हम सबको अल्लाह ताला अपने फजल और करम से हम सबकी मुरादों को पूरा फरमाए और हमें नमाज की तौफीक अता फरमाए। जितने भी लोग आए हैं नमाज की पाबंदी करेंगे, कुरान पाक की